हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डैडीज किचन। टुडेज रेसिपी इज अंडा घोटाला। इसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। अंडा घोटाला बनाने के लिए हमें चाहिए टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, किचन किंग्स मसाला पाउडर, ग्रीन चिली पेस्ट, दो बारीक कटे हुए टमाटर, दो बारीक कटे हुए प्याज। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक रॉ एग, चार बॉईल किए हुए अंडे, बटर, सॉल्ट, कुकिंग ऑयल एंड वाटर। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैंने बटर को पैन में गर्म कर लिया है। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दो बारीक कटा हुआ प्याज। ओके फ्रेंड्स, तो प्याज मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इस प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो प्याज जैसे हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैंने इसमें ऐड किया 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 1 teaspoon क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1 teaspoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर और इसके साथ में मैं इसमें ऐड करूंगा 1 teaspoon ऑफ किचन किंग्स मसाला। ये ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon ऑफ ग्रीन चिली पेस्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने ग्रीन चिली पेस्ट भी इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा और इसे मैं कुक करूँगा 1 से 2 मिनट तक, ताकि इसका रॉनेस निकल जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगा 2 tablespoon ऑफ वाटर। इसे ऐड करने से हमारा मसाला जो है वो पैन पे चिपकेगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगा 2 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मसालों में मिक्स करके इसे भी मैं कुक कर लूँगा 1 से 2 मिनट तक। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख रहे हो, मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर लिया है और सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं फिर से इसमें ऐड करूँगा 2 tablespoon ऑफ वाटर। तो देखिए मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है फ्रेंड्स। अब मैं एक स्मैशर ले लूँगा और इस स्मैशर की मदद से इस मसालों को अच्छे से स्मैश कर लूँगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे स्मैश करना स्टार्ट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो मसाला अच्छे से स्मैश हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फ्रेशली कट कोरिएंडर लीव्स इसमें ऐड कर रहा हूँ और इसे ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ग्रेट करेंगे हमारे बॉईल किए हुए एग। तो हमने 4 अंडे लिए थे, 4 के 4 अंडे हम इस पर ग्रेट कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका खीमा रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए बॉयल एग का खीमा रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे और एक फ्लैट पैन गरम कर लेंगे। इस पर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही हमारा गरम हो जाता है, हम इस पर बनाएंगे हाफ फ्राई। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब मैंने एक अंडा इस पर ब्रेक करके डाल दिया है और अब मैं इस पर स्प्रिंकल करूँगा किचन किंग्स मसाला। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने वो मसाला स्प्रिंकल कर लिया है। अब मैं इस हाफ फ्राई को जो है वो एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लूँगा फ्रेंड्स। तो यस, मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया एक प्लेट पे और अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगा हमारा अंडे का खीमा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमने जो अंडे का खीमा बनाया था वो उसके ऊपर ऐड कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से स्मैश मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे सर्विंग प्लेट पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आर अंडा घोटाला इज रेडी। मैंने इसे सर्व किया है पाव के साथ और गार्निश किया है कोरिएंडर लीव्स के साथ। आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिए और आपके कमेंट्स शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स।